मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को छिंदवाड़ा के परासिया में नारी सम्मान योजना लॉन्च की। कांग्रेस की ये योजना शिवराज सरकार की 1,000 रुपये महीना देने वाली लाडली बहना योजना के मुकाबले में लाई गई है। कमलनाथ ने 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने और मध्य प्रदेश में जितनी भी बंद खदानें हैं उनकी लीज निरस्त कर जमीन गरीबों को देने की घोषणा भी की। शिवराज सरकार की 1,000 रुपये महीना वाली लाडली बहना योजना के मुकाबले कांग्रेस के कमलनाथ ने 1,500 महीना देने वाली नारी सम्मान योजना की घोषणा की। कमलनाथ ने मंच से घोषणा करते हुए कहा, हमारी सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में जितनी भी बंद खदानें हैं उनकी लीज निरस्त कर जमीनें गरीबों को देंगे। कांग्रेस की स्कीम में 1,500 रुपये हर महीने देने का वादा है, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। नारी सम्मान योजना के फॉर्म कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर भरवाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा, उन्हें ना तो कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी ना कतार में लगने की, रजिस्ट्रेशन फॉर्म घर पर ही भरवा कर रसीद दी जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि सरकार आने पर कांग्रेस महिलाओं को साल भर के 18,000 रुपये देगी, सिलेंडर पर साल भर में 7,200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह कांग्रेस महिलाओं को साल भर में 25,000 रुपये की मदद करेगी। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ मैं देखता हूँ हमारे माताओं बहनों में भटक रहा है, यही नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है, ये कैसा भविष्य बनाएंगे? जो आज के नौजवान हैं ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, छिंदवाड़ा का भविष्य बनाएंगे। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। याद रखें, कल के बाद परसों आता है। पुलिस, पैसा और प्रशासन का आप जो उपयोग करना चाहते हैं 5 महीने में कर लें। कमलनाथ ने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा कि 2018 में हमने वोट से सरकार बनाई, इन्होंने सौदे से सरकार बनाई। मैं मुख्यमंत्री था, सौदा कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कुर्सी जाना है तो जाए। आज जब हम इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया है। मोदी जी, अगर आप स्कूल गए हों तो वो स्कूल कांग्रेस से बनाया था। शिवराज जी, अगर आप कॉलेज गए हैं तो ये कॉलेज कांग्रेस ने बनाया था। मुख्यमंत्री के लिए क्या है ये, तो क्या मंत्री है? शिलान्यास मंत्री है। जनता को जवाब दे दिए, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, अत्याचार दिया। ये शिवराज जी तस्वीर है प्रदेश की। और मैं तो क्या है, पुलिस, पैसा और प्रशासन। पर सब याद रखें, कल के बाद परसों भी आता है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।